हम सारे साथी, हम सारे कांग्रेस पार्टी के सिपाही, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, वैमनस्य नहीं है, क्योंकि ये गुंडे नहीं है, ये शराफत की मिसाल है। गुंडों को जीत नहीं मिला करती, इस शहर ने साबित करके दिखा दिया। जो कहा करते थे ना वो हरियाणा के सबसे बड़े गुंडे, मैंने उन्हें कहा था प्रजातंत्र में वोट की चोट बराबर कर देती है सबको छोड़ती है। आखिर में कैथल में शराफत जीती, कैथल में भाईचारा जीता, कैथल में प्रेम जीता, कैथल में अपनापन जीता, कैथल में मिट्टी की खुशबू जीती, कैथल में आपका प्यार और स्नेह जीता, कैथल में आपका आशीर्वाद जीता। कपिस्थल की तपोभूमि में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, कैथल की तपोभूमि के अंदर जात पात के बंटवारे के लिए कोई जगह नहीं। यह सच है, यह सच है। बीजेपी ने बार 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 और अब भी इस चुनाव में भी जात पात फैलाई और भाईचारा तोड़ने की कोशिश की, पर मैं उन सारे साथियों को कहता हूं जिनका मन हम नहीं जीत पाए, हम फिर से गुलदस्ता बनाएंगे और आपको अपनी छाती से लगाकर साथ लेकर जाएंगे। मेरे साथियों, कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई और मुझे आज बुलाया। मैं आदित्य भाई, आदित्य को तो ये कहूंगा, आदित्य और सुदीप भाई तो यहीं रहेंगे और वो कल सुबह आएंगे और मैं आपसे आज अनुमति लूंगा, क्योंकि कुछ चर्चा करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और सारी सीनियर लीडरशिप ने आज बुलाया। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आपने प्रेम और आशीर्वाद दिया, जिस प्रकार से आपने विषम परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को यहां चुनाव जिताया, जिस प्रकार से कठिन, जहां कहते थे कि कांग्रेस जीत नहीं सकती या कांग्रेस कमजोर है, उन गांव के अंदर भी कांग्रेस ने पिछली बार से 600, 700, 800, 200, 400 वोट की बढ़त पाई। मैं देख रहा था पिछली बार का रिजल्ट निकालकर, हर राउंड जब आता था पिछली बार से दुगनी वोट आने लग रही थी लगभग कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए आपकी 90,000 कितनी वोट आई है आपकी, या 85,000-86,000, 84,000 या 85,000 वोट, 84,600 या 85,000 वोट आई, वो ये इस बात का सबूत है कि आपका प्यार, आपका धड़ा, आपका विश्वास और बढ़ा है। और आदित्य के कंधों पर यह जिम्मेवारी है कि उन सारे साथियों के विश्वास को, उनके प्रेम को आगे लेकर जाना है और पूरे जिले में भी सेवा करनी है, पूरे प्रांत में भी सेवा करनी है। मुझे ये विश्वास है कि अगर उससे कोई गलती हो जाए, अगर उससे कहीं कोई भूल हो जाए, तो आप अपना बेटा और भाई मानकर उसका हाथ पकड़कर उसे दुरुस्त कर देंगे, क्योंकि आपको यह अधिकार है। मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल या उससे बहुत पहले जब आपकी सरकार दोबारा बनेगी, आपका हाथ पकड़कर, आपका कंधे से कंधा मिलाकर हम सब आपके साथ कार्य करेंगे और एक साथी पर भी ना दुख आने देंगे, ना तकलीफ आने देंगे, ना उसे परेशान होने देंगे। अगर किसी साथी पर प्राकृतिक तौर से भी, क्योंकि उस प्रभु की मर्जी अपनी होती, दुख और तकलीफ आया भी, तो सबसे पहले आदित्य, सुदीप भाई, रणदीप और मेरे सब साथी आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर उस साथी के साथ जो यहाँ नहीं है, हर उस साथी के साथ जिसने आपकी मदद की है, और उस साथी के साथ भी जिसका मन हम आज तक नहीं जीत पाए, उसके लिए भी कोशिश करेंगे। पहले अपने साथियों की मदद करेंगे, फिर उन साथियों के साथ भी खड़े होने की कोशिश करेंगे, ताकि परिवार इतना विराट हो जाए कि अगली बार आपकी 1.5 लाख वोट आए। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर इस मिट्टी को माथे से लगाकर आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप सबको, मेरे छोटे भाइयों को अपना स्नेह देता हूं, मुझसे बड़ों के चरण स्पर्श कर अपना उनका आशीर्वाद लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हर पल पर, हर कदम पर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका प्यार इसी प्रकार से मेरे और सुदीप के अलावा आपके अजीज आदित्य पर बना रहेगा, ताकि वो और ज्यादा जोर से आपकी सेवा कर सके। अंत में एक ही बात कहता हूं,
आज जो ये मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं या मेरे हम उम्र और साथी बैठे, आप सब में मुझे चौहान शमशेर सिंह सुरजेवाला की फोटो फिर नजर आती है। वो यहाँ आज अगर होते तो वो एक ही बात कहते कि मैं आदित्य को आपको सौंप रहा हूं और वो मेरे बाप से और मुझसे ज्यादा सेवा अपने अपने इलाके की आपकी कर रहे। ये मेरा आपसे वचन भी है, वादा भी है, विश्वास भी है। नहीं आ पाए उनको लाने की भी जिम्मेवारी आप ही की है। एक दिन दो दिन आपने इतनी मेहनत की कि मुझे लगता है कि एक से दो दिन का आराम तो बनता है और चार पांच दिन के बाद एक वर्कर मीटिंग बुलाएंगे और फिर उसके बाद जलसा बुलाएंगे और फिर धन्यवादी दौरा शुरू करेंगे। तो अगले 10 दिन के बाद धन्यवादी दौरा भी शुरू करेंगे। तो मेरी आपसे विनती है 2 दिन 48 घंटे सब ने मुझे सारे साथियों ने तो 5 कहा था, मैंने 2 कहा, तो 2 सही है ना जी, पीछे वाले 5 कहने लगे। तो 2 दिन सबको आराम करने की इजाजत है, एक प्याला चाय पीजिए, लड्डू खाइए और फिर बहुत प्रेम से टाइम से अपने घर वापस आइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।